और आपके बॉलीवुड के सितारे और टीवी एक्ट्रेस मस्ती करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोमांस भी करते हैं, तो सीरियल्स और मूवीज में वे लोग फैमिली ड्रामा भी करते हैं, लेकिन एक तरफ उन्हें अवार्ड्स भी तो मिलते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आईटी 2019 फिल्म अवार्ड में ऐसे कौन से बॉलीवुड के सितारे और एंटरटेनमेंट टीवी एक्टर एक्ट्रेस रहे हैं जिन्हें एक तरफ ड्रामा के लिए, एक तरफ रोमांस के लिए, तो एक तरफ पर्सनालिटी के लिए अवार्ड मिले। आपको पता होगा 2018 का, 2019 का भी फिल्म अवार्ड यह हुआ था जिसमें कई बॉलीवुड सितारों को और एंटरटेनमेंट सितारों को अवार्ड मिले थे। और आज हम आपको बताएंगे कि आपके चहेते सितारों को किसको किसके लिए अवार्ड मिला है। किसी को पर्सनालिटी का मिला, तो किसी को ड्रामा का मिला, तो किसी को मस्ती का। आइए जानते हैं बॉलीवुड सस्पेंस में। जिस तरह बॉलीवुड में एक तरफ मस्ती चलती है, वहीं दूसरी ओर प्यार मोहब्बत प्रेम प्रसंग, तो कई लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव और फेस के लिए अवार्ड मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 2019 में किन किन आपके चहेते सितारों को फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो हम शुरुआत करेंगे लीड रोल ज्यूरी दिव्यांका त्रिपाठी, जो कि यह मोहब्बत शो में काम कर रही है, तो वही दूसरी ओर लीड रोल मेल जो कि मोहित रैना को मिला है। और अब बात करेंगे फैन चॉइस की, लोगों के द्वारा किसे पसंद किया गया, तो फीमेल में है जेनिफर विंटेज जो कि बेपना सीरियल में अभी काम कर रही है। और अगर मेल की बात करें तो नकुल मेहता जो कि स्टार प्लस के इश्कबाज में आपको नजर आए थे। और अगर हम नेगेटिव रोल की बात करें तो इन दिनों सुर्खियों में है कोमोलिका जो कि कसौटी जिंदगी में आपको नजर आ रही है। और नेगेटिव फैन चॉइस की बात करें मेल में तो राजेश कट्टर जो कि कलर शो बेपना में आपको नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। और अगर हम चाइल्ड एक्टर की बात करें तो चाइल्ड एक्टर में इन दिनों कुल्फी कुमार बाजी वाला आकृति सिंह जो कि काफी फेमस चल रही है चाइल्ड के नाम से। और फैन चॉइस की बात करें जिसे लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं जी टीवी के इश्क सुभान अल्लाह में अदनान को लोगों के द्वारा काफी फेस फेम अवार्ड से पसंद किया गया। तो ऐसे ही बॉलीवुड जानकारियों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।